फर्स्ट ईयर क्लास चैप्टर जैविक अणु, जिसकी पिछली क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको बताया। कार्बोहाइड्रेट्स का रासायनिक संगठन के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकरण भी आपको बताया कि किस प्रकार मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड निर्मित होते हैं, उनमें कितनी एकलक इकाइयां हैं जिनके द्वारा इन सैकेराइड का निर्माण होता है। मोनोसैकेराइड सामान्य रूप से एक सिंगल यूनिट से बनने वाला सैकेराइड है। डाइसैकेराइड जिसमें दो मोनोसैकेराइड अणु परस्पर संयोजित होकर डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में हमने देखा कि किस प्रकार दो से लेकर कई हजार तक मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़कर उसकी संरचना को बनाते हैं। इस बायोमोलिक्यूल या जैविक अणु में नेक्स्ट कैटेगरी है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में जानने से पहले प्रोटीन क्या है इसके बारे में हम सभी लोग पहले से परिचित। प्रोटीन वो अनिवार्य अवयव है जो जीव शरीर की कोशिकाओं की संरचनात्मक और कार्यात्मक यानी उन्हें बनाने और उनमें कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं। एक सजीव कोशिका में 12 से 14% और शुष्क और मृत कोशिका में 50 से 75% भाग इन प्रोटीन अणुओं के द्वारा निर्मित हो सकता है। विभिन्न सजीवों में प्रोटीन की संख्या में काफी अंतर है। एक कोशिकीय शरीर में 1000 से लेकर 3000 तक प्रोटीन अणु संभव हैं। स्तनधारी जीवों में 10000 प्रकार के प्रोटीन अणु और मानव में 50000 अधिक प्रकार के प्रोटीन अणुओं की उपस्थिति संभव है। कोशिका के हर एक भाग उनकी संरचना और उपापचय की क्रियाओं में प्रोटीन अणुओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन साथ में नाइट्रोजन परमाणुओं के समेकन, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 16% है, मींस कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और 16% नाइट्रोजन। इन चार प्रकार के तत्वों के संयोजन से प्रोटीन का निर्माण होता है। सल्फर, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन की भी सहभागिता होती है। एमिनो अम्लों के परस्पर सहयोग के कारण प्रोटीन्स को एमिनो अम्ल का बहुलक कहते हैं। जैसे पॉलीसेकेराइड में हमने पढ़ा कि पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड अणुओं के बहुलक हैं, यानी बहुत से मोनोसेकेराइड आपस में जुड़कर एक पॉलीसेकेराइड संरचना बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से एमिनो अम्ल आपस में जुड़कर एक बहुलक संरचना बनाते हैं जिसका अणुभार बहुत उच्च होता है और संरचना जटिल, तो वे प्रोटीन है। एमिनो अम्लों में मौजूद कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच और NH2 समूह परस्पर बंधों के निर्माण द्वारा, कौन से बंध, उन्हें एमाइड या पेप्टाइड बंध कहा जाता है। जब एमाइड या पेप्टाइड बंध बनते हैं तो जल का एक अणु मुक्त होता है। कोशिका के कोशिका द्रव्य में प्रोटीन का निर्माण होता है। जीव द्रव्य में 20 प्रकार के एमिनो अम्लों की उपस्थिति का अब तक अनुमान है, जिसमें से 10 स्वयं निर्मित है, यानी कोशिका इनका निर्माण स्वयं करती है और इन्हें
अनावश्यक अतात्विक एमिनो अम्ल कहते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में इन एमिनो अम्लों का निर्माण होता है, जबकि बाकी बचे हुए 10 एमिनो अम्ल स्वतः निर्मित नहीं है। तो ये हैं अनावश्यक प्रकार के, और दूसरे हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, यानी जिनकी उपस्थिति अनिवार्य है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। प्रोटीन, जैसा कि आपको बताया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अवयव हैं, जिनमें सल्फर और फास्फोरस की भी सहभागिता है। ये जटिल प्रकार के एमिनो अम्लों के बहुलक हैं। जब एमिनो अम्लों के कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे एमिनो अम्लों के एमीन समूह से जुड़ते हैं, तो वहां पर एमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड्स का निर्माण होता है। पेप्टाइड बंधों के बनने पर जल का एक अणु पृथक हो जाता है, यानी जल के अणु का अलग होना निर्जलीकरण और संरचना का बनना संघनन, तो इसे निर्जलीकरण संघनन कहते हैं। एमिनो अम्ल प्रोटीन अणु की एकलक इकाई है, मतलब मोनोमेरिक यूनिट। वे कार्बनिक अम्ल हैं जिनमें कार्बोक्सिल समूह और एमिनो समूह की उपस्थिति रहती है। प्रकृति में कुल 300 प्रकार के एमिनो अम्ल हैं। इन 300 प्रकार के एमिनो अम्लों में केवल 20 प्रकार की उपस्थिति हम उन अवयवों में कर सकते हैं जो जंतु और पादप कोशिकाओं में मिलते हैं। तो इन 300 प्रकार के एमिनो अम्लों में से केवल 20 एमिनो अम्ल ही ऐसे हैं जो जंतु और पादप कोशिकाओं में मिलते हैं। ये एमिनो अम्ल ही इकट्ठा होकर प्रोटीन अणुओं का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर उन 20 प्रकार के एमिनो अम्लों के बारे में हमने लिखा कि 10 अनावश्यक प्रकार के हैं और 10 आवश्यक प्रकार के। तो इनकी अनिवार्यता, यानी अनिवार्य एमिनो अम्ल और अनावश्यक प्रकार के एमिनो अम्ल, 10 एमिनो अम्ल ऐसे हैं जो मनुष्य और दूसरे स्तनधारियों की कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते। इन अनिवार्य और तात्विक एमिनो अम्लों में आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसीन, ल्यूसीन, लाइसीन, मिथियोनीन, फेनाइलएलेनीन, थ्रियोनीन, ट्रिप्टोफैन और वैलीन प्रमुख प्रकार। नोट्स के लिए जब आपको, अब आप नोट्स कर नोट बनाएंगे तो उनमें आप इन अनिवार्य एमिनो अम्लों के बारे में लिखेंगे। ऐसे एमिनो अम्ल जो आवश्यक नहीं, 10 एमिनो अम्ल जिनका संश्लेषण यानी स्वयं निर्मित की कैटेगरी, और अनावश्यक प्रकार के एमिनो अम्ल जिनमें एलेनिन, एस्पेरेजिन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामीन, ग्लाइसीन, ग्लूटामिक अम्ल, प्रोलीन, सेरीन और टायरोसीन हैं, वो अनावश्यक प्रकार के एमिनो अम्लों की कैटेगरी में रखे गए। एमिनो अम्ल का सबसे मुख्य कारण प्रोटीन अणुओं का निर्माण है, इसलिए ही इसको प्रोटीन की एकलक इकाई कहते हैं। एमिनो अम्ल के एमिनो हरण, जिसे अंग्रेजी में डीएनएनिफिकेशन कहा जाता है, में बचा हुआ अल्फा कीटोनिक एसिड एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रतिजैविक पदार्थ जैसे एंटीबायोटिक्स के संश्लेषण में एमिनो अम्ल कार्य करते हैं। पौधों में पाए जाने वाले टैनिंस, लिगनिंस, एल्केलाइड का निर्माण एमिनो अम्ल द्वारा होता है।
पादप हार्मोन ऑक्सिन, विटामिन बी5, मेलेटोनिन, सेरेटोनिन आदि ट्रिप्टोफेन एमिनो अम्ल से उत्पन्न होते हैं। हिस्टिडीन से उत्पन्न हिस्टामिन प्रोटीन एलर्जी प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण करती है। प्राकृतिक नाइट्रोजन के लिए, जो प्राकृतिक नाइट्रोजन जैव तंत्र में प्रवेश करती है, उसके लिए ग्लूटामेट प्रवेश द्वार यानी एंट्री पॉइंट का काम करते हैं। एलेनिन द्वारा विटामिन बी3 निर्मित होता है। टायरोसिन हार्मोन, थायरोक्सिन और एपिनेफ्रिन जैसे अवयव निर्मित करता है। ये दोनों मानव शरीर में उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स, थायरोक्सिन हार्मोन मुख्य रूप से थायराइड ग्रंथि द्वारा और एपिनेफ्रीन वृक्क पर पाई जाने वाली एड्रीनल ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होता है।